फिर से आ चुके हैं अपने SBM मेट्रो स्टेशन। आज पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, आज पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी काम ऊपर बढ़ गया है और पूरा होने ही वाला है। और आप सोचेंगे वो छूटा हुआ है साइड, वो छूटा नहीं, वो फाइबर के लिए छोड़ के रखा गया है, तो वहाँ पे फाइबर लगा दिया जाएगा। और देखिए पूरी बंद हो गई है, अब ये कल से खुलना चालू हो जाएगी। तो कल से अब रोज़ देखा कीजिए 8 बजे, रोज़ देखना 8 बजे, क्योंकि भैया कल से ही पूरी खुलने चालू हो जाएगी। तो आपको पता चलना चालू हो जाएगा कौन कौन से कलर में। वैसे आपको फिर से कलर्स के बता देते हैं, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, इन सभी का कॉम्बिनेशन से ये पेंटिंग कंप्लीट होने जा रही है और काफ़ी सुंदर लगने वाली है। कुछ अलग होगा इस पर, जैसे कि उस पर अपना यूनिवर्सिटी बनाया गया है CGMS वाली पे, वैसे ही इस पर कुछ हो सकता है बगिया क्रॉसिंग के नाम से या फिर SBM हॉस्पिटल के नाम से शायद कुछ बनाया जाए। तो यार अगर आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए हैं। तो आज हम लोग गुरुदेव कह रहे हैं डलैन मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, वहाँ की पेंटिंग देखेंगे कि वहाँ पे पूरी हल्की सी पेंटिंग खुलना बाकी थी, खुल गई होगी तो आपको उसका भी अपडेट मिल जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको एक एक अपडेट देने की। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी खड़ा हूँ क्रॉसिंग पे और यहाँ से फुल पूरा अपडेट मिलता है और आज जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं आपको अपडेट देना चालू कर दूंगा। और RIT का आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहा, ना ही कल्याणपुर का ब्लॉग आ पा रहा है, तो जल्द से जल्द ब्लॉग आने हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और आखिर तक देखा कीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं, हमने कहाँ डलहैन मेट्रो स्टेशन, डलहैन, हाँ जी हाँ डलहैन मेट्रो स्टेशन चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि कितना मतलब बाकी है कितना नहीं बाकी है। तो आइए सीधे वहीं चलते हैं। तो यहाँ हमने कर ली अपनी गाड़ी स्टार्ट और ये आया हमने स्टैंड, अब सीधे चलते हैं। हम आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अब जल्द से जल्द कल्याणपुर मेट्रो ब्लॉग और IIT मेट्रो ब्लॉग आने वाला है, तो टाइमिंग ये रहेगी 8 बजे और 12 बजे की टाइमिंग रहेगी। तो यार दोनों ब्लॉग देखना और दोनों को सपोर्ट करना अच्छे से। कल आ जाएगा, कल आपको दोनों ही ब्लॉग मिलेंगे, एक तो IIT ब्लॉग मिलेगा और ऊपर से कल्याणपुर मेट्रो ब्लॉग मिलेगा, नहीं कल्याणपुर नहीं IIT मिलेगा आपको ब्लॉग और अपना ही डलहैन मेट्रो सॉरी बगिया क्रॉसिंग मेट्रो ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि बगिया क्रॉसिंग तो 7 दिन तक लगातार आना है ना, तो इसीलिए बगिया क्रॉसिंग तो मिलना ही मिलना है और साथ में आपको IIT की भी मिल जाएगी। और फिर इसके अगले दिन IIT रहेगा और कल्याणपुर रहेगा, फिर इसके अगले दिन IIT रहेगा और जहाँ भी हम लोग चल रहे हैं डलहैन और गुरुदेव तीन रहेंगे, इसमें तीन स्टेशन का अपडेट मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से कट ले लेते हैं धीमे से, प्यार से, ना ही जल्दी करते हैं क्योंकि इधर से भी देखना है। और हम लोग अपने आ चुके हैं कहाँ, हम लोग आ चुके हैं अपने डलहैन मेट्रो स्टेशन। अब डलहैन मेट्रो स्टेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यार वो हमको अच्छा लगता है, या तो हम कहते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज वाला स्टेशन, CSAJMU, तो इसकी स्पेलिंग बहुत कठिन है, CSAJMU ऐसे कुछ है, मुझे कन्फर्म पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सामने रहा अपना मेट्रो स्टेशन को भी देखेंगे और इसकी पेंटिंग भी देखेंगे और इसका दूसरा जीना भी देखेंगे, तो यार काफ़ी अपडेट मिलने वाले हैं। तो वीडियो का पूरा देखना, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो देखिए ये रही अपनी छत्रपति साहू जी महाराज वाला स्टेशन, स्कूटी हमने वहीं लगा दी साइड में और पूरा अपडेट लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने जो है पेंटिंग पूरे अच्छे तरीके से कर दी गई, थर्ड कोट भी पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ पर सीमेंट की फिलिंग कर दी गई है, ऊपर LED लगा दी गई है, अब इस पर कोई किसी प्रकार का भी पेंटर नहीं होना है, तीन कोटिंग पूरी हो गई हैं और इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा अपना पेंटिंग। और ये जो पत्थर आ गए हैं ये फिलिंग करने के लिए आ गए हैं, मतलब IIT जो मेट्रो स्टेशन है और छत्रपति साहू जी महाराज स्टेशन, कि दोनों मेट्रो स्टेशन बराबर पर चल रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस पे, मतलब दोनों का ही बराबर चल रहा है।
दोनों बराबरी पे कंप्लीट हो रहे हैं। आईटी थोड़ा सा फास्ट है 10% और ये थोड़ा लेट है, हल्का सा, हल्का लेट नहीं, ये भी अपनी तरफ से बढ़िया कार्य कर रहा है, फिर भी जो है सो है। देखिए अब हम लोग को दिखानी है पेंटिंग, आपको पेंटिंग दिखाते हैं। देखिए कितनी गजब की पेंटिंग लग रही है, इसे कहते हैं पेंटिंग का कलाकार, जिसने बनाई वो कलाकार ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कलाकार होगा, क्योंकि इतना मतलब कोई अलग ही कर सकता है कलाकारी। अब हमें एक बात बता दें, हमको कन्फर्म हो गया ये फुटबॉल है, और कोई अब कुछ ना कहा इसको, कुछ हमको कन्फर्म हो गया ये फुटबॉल ही है, वो फुटबॉल है, वो लड़के चेस कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट है, और ये अपना छत्रपति साहू जी महाराज की पेंटिंग है। अब हमें किसी प्रकार की कुछ वो नहीं है, डाउट ये है, वो यही क्लियर है, देख सकते हैं आप लोग हैं बनाया एकदम उल्टा। तो ये देखिए हम अगला आपको थोड़ा सा इस साइड से दिखा दें, क्योंकि अब अगर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो पूरा नॉलेज होना चाहिए वीडियो में, तो वही पूरा नॉलेज आपको दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी लग रही है पेंटिंग, और ऐसी उसका कुछ नज़ारा निकलेगा अपने बगिया क्रॉसिंग मेट्रो स्टेशन, SPM मेट्रो स्टेशन का। तो अगर आपको मेरी हल्की सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो यार सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, और लाइक करके जाया करो प्लीज़ यार। इस वीडियो में लाइक के हम रखते हैं 100 का, ठीक है 100 करवा देना यार। चलो चलते हैं आगे, आगे का भी सीन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा काम ये हो जा रहा है कि जो जगह बच रही है वहाँ पर पेड़ लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, या तो जो पेड़ है उसको काटा नहीं जा रहा है। जी हाँ, ये यहाँ का पेड़ है तो उसको काटा नहीं गया, पेड़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से फिलिंग कर दी गई। सबसे खास बात मेट्रो स्टेशन यहाँ चेकिंग लगी है भैया, देखो तो आप लोग इस चीज़ को यार लाइक करके जाना यार, बहुत ही अच्छा काम किया मेट्रो ने, UPMRC ने। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि यार यही कुछ इसी प्रकार का कुछ कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन भी किया जा रहा है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये देखिए जो साइड से ये दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के लिए दिया जा रहा है, तो इस बात को एक बार लाइक कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ही लगाए जाएंगे। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, आज चेकिंग इतनी ज़्यादा लगी है आगे कि हम क्या ही बताएं। ये रहा आपने सामने SPM मेट्रो स्टेशन का दूसरी तरफ का नज़ारा, इसमें खास बात ये है कि इसमें यार नीचे भी स्टील ग्रिल लगाई गई है, मतलब बालकनी में, ऊपर भी बालकनी में स्टील ग्रिल लगाई गई है। इसका हमको समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार सभी मेट्रो स्टेशन के दोनों तरफ के जीने बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है जाना हालांकि, और जल्द से जल्द अपना मेट्रो स्टेशन चमक जाएगा। सबसे पहले IIT चमका है, फिर कल्याणपुर, फिर SPM, फिर दलहन, फिर गुरुदेव, ऐसे करके सभी स्टेशन चमका दिए जाएंगे। ये देखिए मतलब यार मज़ा आ जाती है जब ऐसे हम देखते हैं अपने मेट्रो स्टेशन को। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो वाच।